नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अग्रवाल रेडियो हिंदुस्तान से आप सभी को आज मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्सियत से जो कि एक भारतीय है और जो करेंगे इंग्लैंड पर राज। जी हाँ, आप सभी को चौंकाने वाली ये खबर है। अभी तक तो पूरे भारत में खबर पूरी तरह से फैल गई है। इस दिवाली हमें बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिली, एक नहीं दो नहीं पूरे तीन। वो बोलते हैं ना, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस बार हर भारतीय एक भारतीय होने की गर्वित है ऋषि सुनक जी पर। एक भारतीय जो करेगा इंग्लैंड पर राज। पंडित ऋषि सुनक बने यूके के सबसे यंग पीएम, जाने कैसा रहा उनका सफर। जी हाँ, ऋषि सुनक जी भारत के 210 साल तक राज करने वाले ब्रिटेन इंग्लैंड पर अब एक भारतीय राज करेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन की कमान संभालेंगे। ब्रिटिश पीएम की कुर्सी के रेस में कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता चुने गए ऋषि सुनक आज यानी मंगलवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय से मिलकर देश के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह पहले भारतवंशी है जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। शशि थरूर ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की घटना को गुलाम भारत की दौर की लगान प्रथा से जोड़ा है और इसे लगान से लगाम तक का सफर बताया है। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1990 को ब्रिटेन के राज्य में हुआ। उनका परिवार भारतीय पंजाबी हिंदू है। उनकी माँ उषा सुनक फार्मासिस्ट थी और पिता यशवीर सुनक एक जनरल चिकित्सक थे। वो अपने परिवार में तीन भाई बहनों में सबसे बड़े थे। यशवंत सुनक जो कि ऋषि सुनक के पिता है, उनका जन्म केन्या में हुआ था। वहीं उनकी माँ उषा तंजानिया में जन्मी थी। हालांकि उनके दादा दादी भारतीय थे, इसलिए वो अपने आप को भारतीय ही बताते हैं, जो कि हम भारत वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ऋषि सुनक के भाई संजय एक मनोवैज्ञानिक हैं। साथ ही उनकी बहन राखी विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करती हैं। ऋषि सुनक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विनचेस्टर कॉलेज से की है जो कि एक बोर्ड स्कूल है। वहां वो स्कूल के हेड बॉय और संपादक रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की, जहां उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंजर्वेटिव कैंपन में मुख्यालय में इंटर्नशिप भी की। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल की। ऋषि सुनक ने अपनी पहली नौकरी कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिका निवेश बैंक में की, जिसका नाम था गोल्डमैन सैक्स। इसमें उन्होंने बतौर विश्लेषक के रूप में काम किया। साल 2004 में उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट में भी काम किया। उसके बाद साल 2009 में नौकरी छोड़ दी। अक्टूबर 2010 में लगभग 536 मिलियन डॉलर के शुरुआती निवेश से फर्म शुरू की, जिसका नाम रखा थेलेम पार्टनर्स। फिर 2013 में उन्हें उनकी पत्नी और उनके ससुर ने निवेश फर्म कैटामारन वेंचर्स यूके लिमिटेड का निदेशक बनाया, जिसके बाद उन्होंने 30 अप्रैल 2015 को इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इंग्लैंड में सबसे अमीरों में शामिल हैं ऋषि जी। ऋषि सुनक को इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता है। ऋषि सुनक ने व्यापार और राजनीति में बहुत पैसा कमाया। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो अब तक 3.1 अरब पाउंड के करीब है उनकी संपत्ति। चौंकाने वाली बात है ये। भारतीय रुपयों में इनकी बात करें तो ये करीबन 300 करोड़ के बराबर है, जिससे आपकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो 2009 में अक्षता मूर्ति से शादी करने के बाद उनका बिजनेस आसमान को छू गया था। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी से पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां वो और उनकी पत्नी एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। आपको बता दें कि उनकी पत्नी भारतीय अरबपति एनआर नारायण मूर्ति की बेटी है। साथ ही वो
कटमरैन वेंचर्स के निर्देशक के रूप में भी काम करती है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी नॉर्थ यॉर्कशायर के नॉर्थ हेल्टन के पास रहते थे, जिनके साथ उनकी दो बेटियां भी रहती थी। ऋषि सुनक साल 2014 में पहली बार ब्रिटेन की संसद में कदम रखा। दरअसल जिस समय वो संसद में पहुंचे तब उस समय पूर्व सांसद विलियम हैंग ने रिचमंड को चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ऋषि सुनक ने रिचमंड की जगह ली और कंजर्वेटिव एमपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। 2015 में ऋषि सुनक ने चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 2015 से लेकर 2017 तक ब्रिटेन के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति में काम किया। इसके बाद साल 2017 में ऋषि सुनक को भारी वोट मिले, जिसके बाद वो एक बार फिर सांसद के रूप में चुने गए। 24 जुलाई 2019 में उनके बेहतरीन कार्यशैली को देखकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने उन्हें ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया। 2019 में भी वो दोबारा एमपी के रूप में चुने गए। इस बार उन्हें भारी मत मिले, जिसके बाद वो तीसरी बार सांसद बने। अपनी प्रतिभा और कार्यशैली को देखकर वो आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद 12 फरवरी 2020 को वो बोरिस जॉनसन के कैबिनेट के वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त हुए। आज मंगलवार को ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं ऋषि। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी हम लोगों के लिए खबर है, जो कि दिवाली के दिन को और उजागर बना गई और एक यादगार दिवाली के रूप में हम इसे हमेशा याद करेंगे। सलाम है ऐसे व्यक्ति को जिसकी प्रतिभा सुनकर हर कोई आगे बढ़ना चाहेगा, हर कोई आगे बढ़ते ही रहना चाहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।